रखना चाहिए सारी चीज़ें, मेसअप करके नहीं, प्रॉपरली रखनी चाहिए है। सी व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर मशीन्स। मशीन क्या है? तो मशीन मैन मेड थिंग है दैट मेक आवर वर्क ईजी। और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मशीन दैट हेल्प अस टू डू सो मैनी थिंग्स, सॉल्व सम, ड्राइंग पिक्चर्स, लिसन म्यूजिक एंड प्ले गेम। नाउ एक्सरसाइज पार्ट, हियर वी आर डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक विथ योर पेरेंट्स हेल्प। एक्सरसाइज वन, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सो फर्स्ट वन है, अ वॉशिंग मशीन इज यूजुअली फाउंड इन साइड द हाउस। तो वॉशिंग मशीन कहाँ पे हमें दिखाई देता है? घर के अंदर या बाहर? सो इन साइड द हाउस, राइट। सो वी हैव टू राइट टी इन द बॉक्स। अ कंप्यूटर हेल्प अस टू सॉल्व द सम। तो यस, कंप्यूटर इज अ मशीन एंड इट्स यूज टू हेल्प अस। सो इट्स ऑल्सो ट्रू, वी कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक यूजिंग द कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर का यूज़ करके म्यूज़िक सुन सकते हैं या नहीं? सुन सकते हैं ना। बट इसमें क्या क्या कहा है कि कैन नॉट लिसन द म्यूज़िक, आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते। तो ये क्या होगा? फोर्स, बिकॉज वी कैन लिसन द म्यूज़िक यूजिंग द कंप्यूटर। सो हियर वी हैव टू राइट द फोर्स। The next exercise is fill in the blanks using the help box, right? तो first one है, a crane is found blanks the house. Crane हमें कहाँ पे दिखाई देता है? Inside या outside the house? So outside the house. तो here out help box में कहाँ पे? यहाँ पे outside लिखा है। तो या तो आप उसको strike out करो या उसके नीचे वन लिखो, राइट। तो मैंने यहाँ पे वन लिखा है और इधर ब्लैंक्स में आउटसाइड लिखा है। नाउ द नेक्स्ट वन, अ कंप्यूटर इज अ ब्लैंक्स। तो इसमें हेल्प बॉक्स में से आप देखो तो कंप्यूटर इज अ पिक्चर, इज इट पॉसिबल? नो। कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर, इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो थर्ड वन इज मशीन। तो कंप्यूटर इज अ मशीन, इट्स अ करेक्ट। कंप्यूटर वैसे भी वी नो दैट ना, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो इसके ब्लैंक्स में क्या आएगा? मशीन। और उसके नीचे मैंने देखो टू लिखा है। अ कंप्यूटर हेल्प अस ड्रॉ द पिक्चर्स। कंप्यूटर हमें किस लिए हेल्प करेंगे? पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। अ ब्लैंक्स हेल्प अस टू प्ले गेम्स। तो हम कंप्यूटर में गेम भी प्ले कर सकते हैं। तो हियर द आंसर इज कंप्यूटर। सो इधर सी, इन हेल्प बॉक्स आई हैव राइट द नंबर, राइट। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? सो यू हैव टू सी द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट स्पेलिंग। तो फर्स्ट पिक्चर आपको क्या दिखाई देता है? केट का। तो केट का स्पेलिंग CAT। हमें पूरा उसका स्पेलिंग नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्या लिखना है? C। फिर नेक्स्ट वन इज ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। सो वी हैव टू राइट O इन द दिस ब्लैंक्स। Now the next picture is mouse, so we have to write M. Now the next one is pen, so we have to write here P for pen. Next one
umbrella. So we have to write here huge. Next one is the tomato. So here we have to write T. Next is here. So we have to write here E. And the last one, rabbit. So I have write here R. Now to spell this word, C O M P U T E R. कौन सा स्पेलिंग बना? कंप्यूटर, राइट? सो यू हैव टू राइट दिस न्यू वर्ड फोर टाइम हियर. COMPUTER, कंप्यूटर. ऐसे आपको लिखना है और बोलते जाना है. सो यू कैन लर्न दी स्पेलिंग, राइट? नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी दिस बॉय इज गोइंग कैरिंग द बैग एंड कलर द स्टोन दैट हैव द सेम लेटर एज सीन ऑन द बैग. आपको ये बैग में एक स्पेलिंग दिखाई दे रहा है ना, वर्ड्स कौन सा है? मशीन, MACHINE. और ये स्टोन में भी आप देखो अलग अलग लेटर दिखाई दिए दे रहे हैं, CZANE, लाइक दैट. तो आपको क्या करना है, ये इधर बैग में जो लेटर दिखाई दे रहे हैं ना, सेम वैसा लेटर आपको इधर स्टोन में से फाइंड करना है और आपके पसंद का कलर करना है. कलर करना आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको ऐसे ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. सबसे पहले देखो इसमें एम है, तो ये एम में कलर किया है स्टोन पे. फिर उसके बाद ए है, तो यहाँ स्टोन में आपको फाइंड करना है कहाँ पे ये रहा. तो इसको आपको आपके कोई भी कलर कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ बैग में क्या है, सी. तो इसमें से आपको स्टोन में से सी फाइंड करना है और उसको कलर करना है. उसके बाद एच, तो ये रहा यहाँ पे एच. आफ्टर दैट आई, तो ये उसके ऊपर ही आई है. फिर उसके बाद एन और ई. देखो मैंने यहाँ सभी स्टोन पे जो स्पेलिंग है ना उसके ऊपर सर्कल करके दिए हैं, तो ये सब में आपको कलर करना है. ओके बच्चों, नाउ सी, आपको क्या करना है कि आप स्कूल पे ऐसे राउंड लगाओगे लैब में और स्कूल में, तो जो जो मशीन दिखाई देते हैं वो सारे मशीन आप अपने घर पे भी देख सकते हैं. मैंने लिखे वही मशीन के नाम लिखने ज़रूरी नहीं है. आपके घर पे आपको कोई दूसरा मशीन दिखाई दे तो उसके नाम आप लिख सकते हैं, राइट? मैंने देखा है, देखो फैन, तो फैन एक मशीन है, राइट? फिर बस, कंप्यूटर, कैमरा, प्रोजेक्टर. आपके घर पे और भी बहुत सारे मशीन हो गए, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज. आप उसमें से कोई भी पांच मशीन का नाम इधर आपको लिखना है. ओके बच्चों, नाउ वी हैव कंप्लीट आवर दिस फर्स्ट चैप्टर हियर, राइट? यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक बिकॉज ऑल द एक्सरसाइज आर very interesting. You have to do coloring and counting, right? So complete this exercise in your textbook. Okay, thank you.